बैट्समैन में हूँ चंदन पटेल। और देखिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप ये 15 बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक और 15 बेस्ट मिड कैप स्टॉक और 10 बेस्ट मिड स्मॉल कैप स्टॉक पे आप ज़रूर वीडियो देखिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छी खरीदारी करने का मौका मिले और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आप दोनों पे यहाँ पे आप खरीदारी करके एक मौके पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने रिसर्च से एक बहुत ही दमदार पोर्टफोलियो बनाया है और अगर आप इन तीनों को अगर कॉम्बो करके जो जो आपको स्टॉक अच्छा मिले उस स्टॉक में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आप बहुत ही एक मोटा पैसा बना सकते हैं। और देखिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके ऊपर भी मैं आप बताऊँगा। देखिए मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ IRCTC के ऊपर, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। देखिए जब से मैं IRCTC को यहाँ पे एक अपने नज़र में बनाया हूँ और आप सब लोगों के नज़र में मैं देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में कितनी मैंने देखिए इस स्टॉक में बहुत ही बार यहाँ पे वीडियो बनाए हैं। देखिए कितनी बार वीडियो बनाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने यहाँ पे वीडियो देख के आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। अगर आपने नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है, अभी भी आपके पास मौका है। और देखिए मैं लगभग 10 वीडियो अगर बनाता हूँ तो 10 वीडियो में से पर एक वीडियो ऐसी होती है या एक स्टॉक ऐसा होता है कि जिस पे उस स्टॉक में उतनी अच्छी कमाई नहीं हो पाती है, और 9 जो स्टॉक ऐसे होते हैं कि जिसमें भयंकर आपको पैसा देखने को मिलता है, भयंकर पैसा देखने को मिलता है। तो देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी रिसर्च अच्छी है, लेकिन अगर आप जो जो मेरे देखिए राकेश झुंझुनवाला जी खुद बोलते हैं कि मैं अगर आपने अगर कोई न्यूज उनकी देखी होगी या नहीं देखी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो खुद बोलते हैं कि अगर मैं 10 स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें से मेरे को 5 से 6 स्टॉक में ही पैसा बनता है और 4 से 5 स्टॉक में पैसा नहीं बनता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं राकेश झुंझुनवाला जी से बेस्ट हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं उनसे बेस्ट हूँ, अगर मैं बेस्ट होता तो आज मैं भी करोड़पति बनता, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ मैंने हाल फिलहाल में स्टार्टिंग किया है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग मेरे जो रिसर्च है उस रिसर्च के आधार पे अगर आप यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के कारण आपको बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप नोटिस करिए और आपको आगे वाले आने वाले कल में एक बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा। चलिए मैं सीधे सीधे मुद्दे पे लेके चलता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे IRCTC लगभग आप आज ये 5.90% की तेज़ी है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लगभग 137.60% की तेज़ी है। तेज़ी तो हाल फिलहाल और भी ज़बरदस्त थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ लोगों को ये रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि इस जो देखिए जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पे ध्यान दें, बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे ध्यान दें, ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, हाई गया था बहुत ऊपर, लेबल तोड़ के लेबल एक ही दिन में यहाँ से तोड़ दिया, आप ये देखिए एक ही दिन में इसने अपना जो गिरावट इतने दिन से गिरावट हो रही थी एक ही दिन में इसने लेबल तोड़ा, लेकिन फिर वहाँ पे थोड़ा सा इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, लेबल तोड़ा फिर भी इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। तो अब आप क्या करो कि अगर इस स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है
तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे वेट करो। अगर आपको करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट आपको कितना करना है, देखिए जो छोटे इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, वो यहाँ पे लगभग 50% माल उठा लें। कब? कल का वो वेट करें। अगर इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है तो ठीक है, वो करेक्शन का वेट करें। अगर करेक्शन देखने को नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे 50% का माल उठा लें, ठीक है, 50% का माल उठा लें। अगर यहाँ इस स्टॉक में अगर और करेक्शन देखिए वो कब उठाएं, अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो वो वेट करें कि फिर से वो नीचे आता है तो ठीक है, या पर सर्किट लगने वाली रहेगी या ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा तो उस सिचुएशन पे वो माल उठा सकते हैं 50%। अगर वो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर करेक्शन हो रहा है तो आप इंतज़ार करें, आपको जैसे ही मौका मिले इस यहाँ के बीच में तो आप माल उठा लो 50%, और आप वेट करो कि इस लेवल से अगर ये नीचे आए तो आप और माल उठा लो, ठीक है। और सेकेंड टाइम